इस जांगिड जो चंदन की लकड़ी पर कुछ ऐसा जादू करते हैं कि राजस्थान के वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथा सामने आ जाती है। कमलेश की कला देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चंदन की लकड़ी पर बारीक और सधी हुई नक्काशी करके उन्होंने अब तक कई कलाकृतियां बनाई हैं। उनमें से एक है महाराणा प्रताप की तलवार और एक मूरत। इस काम को करने वाली कमलेश की यह चौथी पीढ़ी है। अभी तक इनका परिवार 11 बार प्रेसिडेंट अवार्ड जीत चुका है। चंदन की लकड़ी से बनी ये नायाब तलवार है। इसे हाथ में लेने पर महाराणा प्रताप का शौर्य महसूस होता है। कहते हैं कि सबसे भारी तलवार अगर किसी योद्धा की थी तो वो राजस्थान के राजा महाराणा प्रताप थे। इस तलवार में बनी खिड़कियों को खोलने पर उनके पराक्रम के सारे किस्से सिलसिलेवार ढंग से सामने आने लगते हैं। इसे 9 साल की मेहनत से तैयार किया है कमलेश जांगिड ने। कीमत है 25 लाख रुपए। इस तलवार के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ये तलवार पूरी चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर एक के अंदर एक खिड़कियां खुलती है और इसमें महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी को दर्शाया गया है। इसको बनाने में मेरे को 9 साल लगा है। 2010 के अंदर मेरा नॉमिनेशन हो गया था और 2014 के अंदर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। जयपुर में रहने वाले कमलेश की इस कला और उसकी खूबसूरती को शब्दों में लिख पाना मुश्किल है। चंदन से बनी 3.5 फीट लंबी इस मूरत को देखिए। कीमत है 1 करोड़ रुपए। 7 साल में तैयार ये मूरत हल्दीघाटी का युद्ध, महारानियों का जौहर, पन्ना धाई का बलिदान जैसे किस्से सुनाती है। इसकी चुनरी हवा से हिलती है क्योंकि चुनरी में लगे धागे भी चंदन की लकड़ी से ही बनाए गए हैं। उसमें 7 साल लगे थे मुझे बनाने में, एक एक चीज बनाने में। उसकी चुनरी पूरी हवा से हिलती है। उसमें 11 खिड़कियां खुलती है जिसमें मैंने राजस्थान के जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं उनकी गाथाएं बनाई है। जैसे हाडी रानी हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पन्ना धाई का हो गया, पद्मिनी का जौहर हो गया, तो ये चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है सारी। चंदन से बने इस पंखे में राधा कृष्ण का दरबार और श्री कृष्ण की पूरी कहानी है। ऐसे कई अद्भुत प्रोजेक्ट कमलेश और उनके परिवार ने तैयार किए हैं। कमलेश कहते हैं कि 11 साल बाद वो एक ऐसी मूरत दुनिया के सामने पेश करेंगे जो अपने आप में एक अजूबा होगा। मैं आगे एक 5 फीट की महिला बनाने में लगा हुआ हूँ और उसमें तकरीबन 11 साल लगेंगे। उसका मैंने प्रोसेसर स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी मैं मीडिया के सामने उसको नहीं लाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक अजूबा है। उसके अंदर 30 से 35 खिड़कियां खोलूंगा। उसके कानों के झूमर, माथे का बोरला, गले में जो ज्वेलरी होगी वो भी खुलेगी। तो 30 से 35 उसकी खिड़कियां खुलेगी। जितने भी राजस्थान के वीर वीरांगनाएं की गाथा है वो ही मैं उसमें डालूंगा। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी बहुत मुश्किल काम है। इसमें पारंगत होने के लिए तपस्या और मेहनत लगती है। कमलेश के परिवार में अब तक 11 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। पुरखों से मिली विरासत को इन्होंने 4 चांद ही लगाए हैं। मेहनत के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं। अब अपनी 6 साल की बेटी को ये नक्काशी सिखा रहे हैं जो इस हुनर को आगे लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आप